Financial Headlines, brought to you by SnapZed Universe. Hello and welcome to today's financial report. सोने की कीमत में अमेरिकी डॉलर का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर मजबूत होने से सोने की कीमतें 6 दिन के निचले स्तर के करीब स्थिर हो गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, जबकि अन्य देश प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के परिणामों से गुजर रहे हैं। अमेरिकी की मजबूत फेड को आगे की नीति को सख्त करने के लिए अनुमति दे सकती है। GBP USD मूल्य विश्लेषण 1.2500 के आसपास 3 महीने के निचले स्तर के करीब। GBP USD 1.2500 के आसपास स्थिर बना हुआ है, जो बुधवार को 3 महीने के निचले स्तर के करीब है। जोड़ी 1 घंटे के चार्ट पर 50 और 100 घंटे की EMA से नीचे रखती है। समर्थन स्तर 1.2465 पर स्थित है। तत्काल प्रतिरोध स्तर 1.2515 पर देखा गया है। EUR USD 1.0700 की ओर वापस गिर गया, फेड की नजर है। EUR USD 3 महीने के निचले स्तर से उछल गया, हाल ही में इंट्राडे निचले स्तर को नवीनीकृत किया है। यूरोजोन और अमेरिकी डेटा के बीच विचलन ECB फेड के बीच के अंतर से जुड़ता है, यूरो जोड़ी पर असर पड़ता है। जर्मन इंडस्ट्रियल EUQ2 GDP की अंतिम रीडिंग और मध्य स्तरीय अमेरिकी रोजगार डेटा पर है। AUD USD ने 0.6360 समर्थन का बचाव किया। ऑस्ट्रेलियाई चीन व्यापार संबंधों में सुधार। चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार के लिए AUD USD 0.6360 समर्थन का बचाव करता है। अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक के संपर्क में आने से बाजार सतर्क बना हुआ है। अमेरिकी सेवा क्षेत्र एक स्थिर उपभोक्ता गति का संकेत देता है, जो मुद्रास्फीति को और अधिक बना है। Today's markets outlet. On behalf of all of us here, we wish you a productive trading day.